हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। वीडियो इसके पहले के वीडियो से काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस, इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स पेपर वन का कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ जो कि इसके पहले के वीडियो में मैंने कवर नहीं किए हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में मिल जाएँ। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और को बेनिफिट मिल सकता है तो इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन डेरिवेटिव से लिया हुआ है। इफ वाई इक्वल टू साइन एक्स होल रेज टू एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको डेरिवेटिव निकालना है इसका। अभी ये जो फंक्शन है, देखो यहाँ पे जो बेस दिया है फंक्शन का वो x का फंक्शन है, और जो पावर है वो भी x का फंक्शन है। तो अपने पास ये टाइप का कोई डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। तो जब स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं रहेगा, एंड व्हेन बेस एंड द पावर बोथ आर फंक्शंस ऑफ x, सो इसको सॉल्व करने का एक ही मेथड है, बाय यूजिंग द लॉगरिथम। लॉग लेंगे हम लोग बोथ साइड, तो विल राइट हियर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ, और ये फंक्शन दिया है साइन एक्स होल रेज टू एक्स। अब यहाँ पे लॉग यूज करने का एक ही मेथड है सो दैट ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये लॉग वाई इक्वल्स टू, लॉग का रूल आपको मालूम है, पावर में एक्स है तो ये पावर लॉग के पहले आकर के इनटू हो जाएगा लॉग से। ये हो जाएगा एक्स इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ये मिला अपने को। लॉग का प्रॉपर्टी यूज हो गया, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वी विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड आएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो देखो लॉग वाई का डेरिवेटिव आपको मालूम है, लॉग वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, तो ये एक्स को यू अज्यूम करेंगे हम लोग, और ये लॉग साइन एक्स को वी ले लेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा राइट साइड में, यू इंटू वी रूल। फर्स्ट फंक्शन आपका एक्स है तो यू ले लिया, सेकेंड फंक्शन है लॉग साइन एक्स, उसको वी ले लिया। तो मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करते हैं। सो रूल इज एक्स होता है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया लॉग साइन एक्स। तो फॉर्मूला है यू इंटू वी रूल, यू आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी आएगा, प्लस वी आएगा यहाँ पे लॉग साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू आएगा, दैट मीन्स एक्स। तो मल्टीप्लीकेशन रूल यूज किया, सिंप्लीफाई करते जाना है आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलते जाएगा। तो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू, अभी इसको देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स है। तो आपको मालूम है लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है, बट एक्स के प्लेस पे साइन एक्स है, तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस ये लॉग साइन एक्स एज इट इज रहेगा बिकॉज इसको डेरिवेटिव अप्लाइड नहीं है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, तो वन लिख दिया हमने। तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू वन, तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव अपने को मालूम है कॉस एक्स होता है, प्लस ये हो जाएगा आपका लॉग साइन एक्स एज इट इज रहेगा। सिंप्लीफाई करते हैं, अपने को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे आप, और ये y यहाँ पर डिवाइड है तो राइट साइड में जा कर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा वो, और ये राइट साइड का टर्म पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। तो सी यह x इंटू, अभी यहाँ पर देखो cos x अपॉन साइन x है, तो cos x अपॉन साइन x आई कैन राइट cot x, तो मैं यहाँ पर cot x लिख सकता हूँ इसको। फिर ये प्लस यहाँ पर बच रहा है आपका log साइन x, यहाँ बचा log साइन x, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा y। अब जो y है उसकी जगह पे हम लोग ये क्वेश्चन लिख देंगे, y इक्वल टू था साइन एक्स रेज टू एक्स, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे y का वैल्यू, साइन एक्स रेज टू एक्स ब्रैकेट एज इट इज रहेगा x इंटू कॉट एक्स, प्लस ये है log साइन x। तो देखो ये सम सॉल्व हो गया।
सो वी गॉट डी वाई बाय डी एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में एक बार आ चुका है ये। देखो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग टू मार्क्स के लिए। मैट्रिक्स ए दिया है आपको 1 3 3 1, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। शो दैट, प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस 2 ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले ए स्क्वायर निकालना है आपको, तो मैट्रिक्स ए इज गिवन हियर। मैट्रिक्स ए दिया है आपको 1 3 और यहाँ पे 3 1 दिया, ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया। आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस 2 ए, तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। तो विल फाइंड आउट ए स्क्वायर। मैट्रिक्स में ए स्क्वायर का मीनिंग होता है ए इंटू ए, दैट मीन्स सेम मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय इट्सेल्फ। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 3 और यहाँ पे 3 1 है, मल्टीप्लाइड बाई सेम थिंग 1 3 और ये 3 1 है। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसको। सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड करना है आपको। तो 1 × 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 3 × 3 हो जाएगा 9। तो फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम। नाउ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ सेकेंड कॉलम एंड राइट इन द सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा 1 × 3, सो दिस इज 3 प्लस 3 × 1, सो राइट हियर 3। सो फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड कॉलम ऑल्सो। अभी सेकेंड रो स्टार्ट होगा आपका, सेकेंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, सो 3 × 1 ये हो जाएगा 3 प्लस 1 × 3, सो दिस इज 3। नाउ सेकेंड रो मल्टीप्लाई विथ सेकेंड कॉलम, सो 3 × 3 ये हो जाएगा 9 प्लस 1 × 1 ये हो जाएगा आपका 1। तो देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है ये। सो वी विल गेट हियर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 10, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 9 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 10। दिस इज ए स्क्वायर, बट आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस 2 ए। तो अभी हम लोग 2 ए फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 ए मैट्रिक्स ए दिया है आपने को, आपको फाइंड आउट करना है 2 × a, दैट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय 2। तो ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 हियर, 2 × 2 ये हो गया आपका 2 ए। पर अपने को फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस 2 ए। नाउ विल कंसिडर हियर ए स्क्वायर माइनस 2 ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे निकाला है आपने 10 6 6 10, तो राइट हियर 10 6 6 10। माइनस आपको निकालना है 2 ए यहाँ पे फाइंड आउट किया हम लोगों ने 2 6 6 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 - 2 ये हो जाएगा आपका 8, 6 - 6 दिस विल बी 0, 6 - 6 तो ये हो जाएगा 0, 10 - 2 तो ये हो जाएगा 8। सो मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस 2 ए वी गॉट 8 0 0 8, और ये स्केलर मैट्रिक्स है। बिकॉज डेफिनेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स क्या रहता है, डायगोनल एलिमेंट्स विल बी इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0। सो मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस 2 ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ये प्रूफ हो गया आपका। 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले बोर्ड भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट पार्ट है, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू एन वाई स्क्वायर प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 7। तो आपको इसका निगेशन लिखना है। तो फॉर एवरी का निगेशन होता है देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू एन। ऑलवेज रिमेंबर जब भी क्वेश्चन में देयर एग्जिस्ट यूज होगा तो वहाँ पे सच दैट आता है। तो देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू एन सच दैट, यहाँ पे लिखेंगे सच दैट। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 7 है, इसका निगेशन लिखना है आपको। तो वाई स्क्वायर प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 7 है, निगेशन आएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 नॉट लेस देन और इक्वल टू 7। इसको डिफरेंट वे से भी आप लिख सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ये भी राइट रहेगा। सो आइदर यू राइट दिस और दिस, बोथ आर करेक्ट। देखो बी पार्ट हम लोग लेते हैं, यहाँ पे बी पार्ट है इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, इसका आपको निगेशन लिखना है। इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट है ये, बिकॉज इफ और देन यूज किया हुआ है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन लिखने के लिए पहले उसको 2 सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट पी, द लाइन्स आर पैरेलल, स्टेटमेंट पी द लाइन्स आर पैरेलल। स्टेटमेंट क्यों लेंगे हम लोग, स्लोप्स आर इक्वल, देयर स्लोप्स आर इक्वल,
देयर स्लोप्स आर इक्वल, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे दिया है इफ द लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो इफ पी देन क्यू, तो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा पी इंप्लाइज क्यू। एक बार सिंबॉलिक फॉर्म मिल गया देन वी कैन राइट द निगेशन, सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू है, तो इसका फॉर्मूला है निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी एंड निगेशन क्यू, दिस इज बाय रूल्स ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन पी इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू पी एंड निगेशन क्यू, तो ये निगेशन हो गया। अब इसको वर्बल फॉर्म में लिख देंगे तो आपको आंसर यहाँ पे देखो मिलेगा, पी दिया है तो पी क्या रीड करोगे आप, पी रीड करोगे द लाइन्स आर पैरेलल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द लाइन्स आर पैरेलल, द लाइन्स आर पैरेलल, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे कंजंक्शन यूज किया तो एंड रीड करेंगे, द लाइन्स आर पैरेलल एंड देयर, निगेशन क्यू दिया है ना, तो क्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ पे स्टेटमेंट क्यू है देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो निगेशन क्यू क्या आएगा, देयर स्लोप्स आर नॉट इक्वल, एंड देयर स्लोप्स आर नॉट इक्वल, देयर स्लोप्स आर नॉट इक्वल, तो ये सॉल्व हो गया आपका। सो निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज द लाइन्स आर पैरेलल एंड देयर स्लोप्स आर नॉट इक्वल। देखो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, रेवेन्यू फंक्शन दिया आपको, रेवेन्यू इक्वल टू 720x - 3x², फाइंड एक्स फॉर विच टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो रेवेन्यू फंक्शन दिया है तो राइट हियर सिंस आर इक्वल्स टू दिया है 720x - 3x², तो जब भी क्वेश्चन रहेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का तो फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना है आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा ये, तो डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी एक्स इक्वल टू 720x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, 720x का डेरिवेटिव होता है 720 - 3x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x। अभी क्वेश्चन में दिया है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो राइट हियर सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग दिया है अपने को, सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, सो व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डेरिवेटिव विल बी ऑलवेज मोर देन जीरो, सो देयरफॉर लिखेंगे हम लोग डी आर अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन जीरो दिखाएंगे, और डी आर अपॉन डी एक्स का यहाँ पे निकाला है आपने वैल्यू 720 - 6x, तो ये हो जाएगा 720 - 6x > 0 हो गया ये, तो ये हो जाएगा आपका 720 > 6x, तो 726 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा ग्रेटर देन x हो गया ये, तो 120 आएगा, 120 > x, और यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो x < 120। तो क्वेश्चन था यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ x विल बी लेस देन 120 सो दैट रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, सम सॉल्व हो गया, बहुत ही ईजी है। देखो नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ sec²x / tan²x + 4, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन देख के आपको मालूम पड़ रहा है, tan x का डेरिवेटिव sec²x होता है, तो अगर मैंने tan x को t पुट कर दिया तो ये हो जाएगा आपका t², ये हो जाएगा 2² और tan x का डेरिवेटिव sec²x यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, तो वी विल यूज हियर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुट tan x इक्वल्स टू t, पुट tan x इक्वल टू t, इंटीग्रेशन में व्हेनेवर वी यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज उसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x, मालूम है आपको t का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा dt/dx हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा sec²x (dx) = dt मिल जाएगा आपको, ठीक है, बाद में यूटिलाइज हो जाएगा ये। अब इंटीग्रेशन आई से स्टार्ट कर दो आप, ये हो जाएगा i = integration, नाउ सी हियर sec²x (dx), sec²x (dx) को रिप्लेस कर दो dt से, तो ये हो जाएगा आपका dt/, अभी देखो डिनोमिनेटर में tan x को t लिया था हमने, तो ये हो जाएगा t² सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो t² + 4 जो है 4 को आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो,
सो देखते हैं क्या आता है ये। आई इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इंटू डी टी, यहाँ पे सेपरेट। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया अपने पास इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वन अपॉन ए इंटू टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इसका आंसर आएगा वन अपॉन टू इंटू टैन इनवर्स टी अपॉन टू प्लस सी हो जाएगा। टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू टैन इनवर्स, टी का वैल्यू यहाँ पे दिया है टैन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका टैन एक्स डिवाइड बाय टू प्लस सी। तो ये सम सॉल्व हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एट एक्स इक्वल टू जीरो। सी ईयर फंक्शन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट फोर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन थ्री एक्स वेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई ट्वेल्व एन एक्स इक्वल टू जीरो। सो वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। सो आपको बताना है कि एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो गिवन थिंग से स्टार्ट करेंगे। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन बाई ट्वेल्व दिया है, दिस इज गिवन, इक्वेशन नंबर वन हो गया। देखो यहाँ पे जब x का वैल्यू जीरो रहेगा तो एफ ऑफ जीरो वन बाई ट्वेल्व गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिमिट निकालना है, लिमिट x टेन टू जीरो एफ ऑफ एक्स निकालना है। ये हो जाएगा लिमिट x टेन टू जीरो एफ ऑफ एक्स, फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है तो ये है अंडर रूट फोर प्लस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय यहाँ पर थ्री एक्स है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो। देखो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू x का जीरो पुट करोगे तो ये जीरो बाई जीरो हो जाएगा विच इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का टर्म दिया है, तो वेन एवर देर इज अ स्क्वायर रूट द मेथड इज रैशनलाइजेशन। सो हम लोग न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे उसका कॉन्जुगेट लेकर के। तो ये है अंडर रूट फोर प्लस एक्स माइनस टू ऐसे रहेगा डिवाइड बाई थ्री एक्स मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट लेना है न्यूमरेटर का। तो अंडर रूट ये फोर प्लस एक्स है, माइनस टू लिखा है तो प्लस टू लेंगे हम लोग, सेम थिंग से डिवाइड भी करना है आपको फोर प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब देखो जो न्यूमरेटर है दिस इज ऑफ द टाइप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला होता है अल्जेब्रिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट फोर प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा आपका टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में थ्री एक्स इंटू ब्रैकेट अंडर रूट फोर प्लस एक्स और यहाँ पर प्लस टू आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करते जाते हैं हम लोग, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, रूट का स्क्वायर किया आपका रूट रिमूव हो जाएगा तो फोर प्लस एक्स बचता है माइनस टू का स्क्वायर है तो ये फोर हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर थ्री एक्स है अंडर रूट फोर प्लस एक्स प्लस टू। सो प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू अब यहाँ पे बच रहा है एक्स अपॉन थ्री एक्स, तो दिस एक्स एंड दिस एक्स ऑल्सो गेट्स कैंसिल और जो बाकी टर्म्स बचा है ना वहाँ पर आप x का वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो ये हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट फोर प्लस जीरो और ये प्लस टू है ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर थ्री दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन, नाउ सी फोर प्लस जीरो इज फोर तो फोर का अंडर रूट टू आएगा, टू प्लस टू फोर हो जाएगा, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे मिला लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई ट्वेल्व मिला, इसको इक्वेशन नंबर टू दे दो। अभी इक्वेशन वन और टू को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर वन देखो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो का वैल्यू वन बाई ट्वेल्व है और इक्वेशन नंबर टू लिमिट का वैल्यू भी वन बाई ट्वेल्व है, दोनों भी इक्वल आ रहा है। तो वील राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ जीरो।
देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप मैंने जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिला है तो इस वीडियो को आप अपने तक मत रखिए, बल्कि और भी लोग ऐसे हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, उनको शेयर कर दीजिए। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।